Welcome you all. So dear children, it is the first video lecture of this chapter, and the chapter name is Everest Reactions. For this you are advised to open the page number 62. It's the second chapter of unit 3 of our course book. So let's start to read this chapter. Everest Reactions, written by Arkin Ryan. News these days is often sensationalized. You must have come across this term several times. तो उत्तर कहता है कि इन दिनों न्यूज को इतना उत्तेजित कर दिया जाता है और इस टर्म से तुम कितनी बार रूबरू हुए होंगे. This word means that the news is presented to the audience in a such a way that it incites strong reactions. तो न्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि लोगों के वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को पा सके. People are intended to be shocked and they feel curious about the piece of news. People लोगों के सामने इस तरह न्यूज रखी जाती है ताकि वो शॉक हो पाए और वो क्यूरियस हो जाए उस न्यूज को सुनने के लिए, उस न्यूज को पाने के लिए. Work in a pairs and mention two pieces of sensational news that you heard or read in the recent times. आपने ऐसी दो न्यूज लिखनी है जो रिसेंट टाइम में आपने सुनी हो, जो सेंसेशनल हो, यानी कि बिल्कुल ही उत्तेजित कर देने वाली हो, अचंभित कर देने वाली हो. See what kind of reaction they received in the society at large, fill in the blanks. और society में, आपके समाज में उसको किस तरह की reactions मिले, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उन न्यूज को सुनकर. Now let's read this chapter. Sometime even the most stupidest achievements draw the most unexpected reactions in the certain quarters. कभी कभार क्या होता है कि जो बिल्कुल ही stupidest यानी कि मूर्खता वाली जो achievement होती है वो भी लोगों की reactions को, unexpected reactions को ले लेती है, यानी कि लोगों की अच्छी वाहवाही मिल जाती है उस बात को भी. When Hillary and Tenzing finally reached the roof of the world, everyone was thrilled and excited about the event. जब टेंसी ने और हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे यानी कि जीत हासिल कर ली थी तो सभी लोग थ्रिल्ड थे, एक्साइटेड थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे. यानी कि एवरीवन लास्ट लेट अस सी द रिएक्शंस फ्रॉम द यंग थंबीज फैमिली. अब देखते हैं क्या है कि इस थंबी फैमिली पर्सन है थंबी, उसकी फैमिली में जब उनको ये न्यूज मिली कि किसी ने माउंट एवरेस्ट पे जीत हासिल कर ली है, उस पर कोई चढ़ गया, तो उनके क्या रिएक्शन थे वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं. इट वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड थंबी, नाउ 12 ईयर्स ओल्ड, हु केम इन विद द न्यूज. तो थंबी था एक फैमिली में सबसे छोटा पर्सन था, उस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर था, वो लगभग 12 साल का था. वो अंदर आया एक न्यूज के साथ. He had gone out a little while earlier. वो थोड़े टाइम पहले ही घर से बाहर गया था. It was his habit to go out and keep dashing in every little while with the reports of cricket test scores and flying saucers and traffic accident and other such matters. तो उसकी habit थी कि वो फटाफट बाहर जाता और कोई ना कोई रिपोर्ट के साथ, जैसे क्रिकेट की, एक्सीडेंट की और न्यूज के साथ वो अंदर आता और अपने साथ लेके आता न्यूज घर पर. Today he came in crying out. आज वो चिल्लाते हुए अपने घर पे आया. The Everest has been conquered. They have reached the top. उसने अनाउंस किया कि जो एवरेस्ट है उसको जीत लिया गया है, वो टॉप पर पहुंच गए हैं. People thought he was joking. लोगों ने सोचा कि वो जोक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा. Although generally an accurate reporter. Generally क्या था, एक accurate reporter था, सही रिपोर्ट देने वाला था. Occasionally perhaps when he felt that people's interest in living was flagging. जब कभी उसको लगता था कि कभी कभी ऐसा वो करता था कि जब लगता था कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा कि न्यूज में सुनने में, वो बोर हो रहे हैं, तो क्या करता था, he tried to reuse them with the stories of dacoities and arson in the neighborhood story that would not bear a moment's scrutiny. तो जब कभी ऐसा होता था कि लोग बोर होते थे तो वो क्या करता था,
जो लूट पाट की होती है, डिकोटी की जो होती है, डकैती की जो न्यूज होती है, आर्सन की यानी कि घर में किसी की आग लगा देना, आग लगाने की जो न्यूज होती है, उनको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता था और लोग कोई भी उस पर स्क्रूटनी नहीं करते थे, उसको एग्जामिन नहीं करते थे, सुनते थे उसकी बात को. सच टेल्स वुड मेक द एल्डर्स सिट अप एंड आस्क वेयर ही हैड हर्ड देम सो फोर्थ. And the young man would go away pleased with he had succeeded in the spring his elders from their तो so, जब वो इस तरह की न्यूज़ सुनाता था तो लोग उसकी न्यूज़ को बड़े ध्यान से सुनते थे और पूछते थे कि तुम्हें यहाँ ये कैसे पता लगा और आगे की बातें पूछते थे. और ऐसा कुछ सुनाकर, ऐसी न्यूज़ देकर वो लड़का यानी कि थम्बी बहुत खुश हो जाता था और वो उसको सभी लोगों इकट्ठा कर देता था और जो उनके अंदर एक सुस्ती आ जाती है बूढ़े लोगों में, एल्डर्स में, तो उनमें वो एक क्या कहते हैं सेटअप भर देता है यानी कि उसमें एक एक्शन भर देता है. दिस सीम्स टू बी सच एन ओकेजन. और जब वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसकी न्यूज को सुनकर तो ऐसा लगता है कि कोई ओकेजन है, कोई त्योहार है, कोई उत्सव है. थम्बी ट्राइड टू रन अवे. सॉरी वी वर ऑन द नेक्स्ट पेज. यस. Thambi tried to run away after declaring the conquest of the Everest, but he was caught by the wrist and asked to explain. जैसे ही Thambi announce करता है कि Mount Everest पे किसने चढ़ाई कर दी है, कोई पहुंच गया है, तो भागने लगता है परंतु कोई उसको पकड़ लेता है, उसको पूछता है explain करने के लिए सारी बातें. Where, who told you about it? उसके elders उससे पूछते हैं उसकी arm को पकड़ के, उसकी wrist को पकड़ के कि कहाँ ऐसा कहाँ हुआ है, किसने तुम्हें ये बताया है सब कुछ. quoted over the radio in the next house. वो कहता है कि मैंने अगले घर में रेडियो पर सुना है. next house. how often have you been told to keep to your books and not loaf all over the place in the sun. तो एक एल्डर, उन एल्डर्स लोगों में से यानी कि बड़े बुजुर्ग में से, बड़े लोगों में से एक उसको पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि तुम अपनी बुक्स पे ध्यान लगाया करो, बुक्स पढ़ा करो, ऐसे लोक मत किया करो यानी कि बाहर धूप में मत घूमा करो. I was studying all afternoon and went out only for a moment to listen to the radio in the next house. कहता कि मैं पूरी दोपहर पढ़ता रहा और फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए रेडियो सुनने गया. What are wrong with our own radio? फिर वो एल्डर बोलता है कि हमारे अपने रेडियो में क्या गलत है. Finding that the subject was getting unnecessarily twisted, the young man declared. उस लड़के को लगा कि जो मैटर है वो बिगड़ रहा है यानी कि बात खराब हो रही है. अब उसने डिक्लेयर किया, द एवरेस्ट हैज बीन क्लाइम्ड एंड दैट इज ऑल आई नो. उसको डर लगा कि अब कुछ और मुझे कहेंगे, मुझे डांटेंगे, तो उसने डिक्लेयर किया कि एवरेस्ट को जीत लिया गया है और सिर्फ मुझे इसके बारे में इतना ही पता है. डोंट बी अब्सर्ड. एल्डर ने कहा अब्सर्ड यानी कि बेतुका, यानी कि जो बात लॉजिकल नहीं है, ऐसी बातें मत करो, इलॉजिकल बात मत करो. cried the elders. Elders ने cried किया ऐसा. Who has been telling you this cock and bull story? Cock and bull story का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियाँ. तुम्हें कौन बताता है इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ? I knew long ago that it would be climbed, said Thambi. Thambi ने ऐसा कहा उसके बाद ऐसा कहा. मुझे बहुत पहले से पता था कि कभी ना कभी ऐसा होगा, कोई ना कोई उस माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब जरूर कर जाएगा. The elders groaned. Elders ने groan किया. How could it be? It is impossible. उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसी मतलब यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ना almost impossible है. Tenzing and Hilary have done it. उसने बताया, थम्बी ने बताया कि Tenzing ने और Hilary ने ये कर दिखाया है. Said the well-informed boy, he was delighted with his own success in impressing his elders. वो बहुत ज्यादा खुश था वो लड़का, क्योंकि उसने उन सभी लोगों को, सभी elders को अपनी न्यूज के द्वारा इम्प्रेस कर दिया था. He added casually, उसने ये बात भी ऐड की, they also find now that the height of the Everest had all along been misjudged. It is about 1,000 feet more than what it was thought to be. तो उसने ये बात भी ऐड की कि जो हाइट पहले जज की गई थी कि एवरेस्ट की इतनी हाइट होगी, तो उसने कहा कि वो भी मिसजज की गई थी, उसकी हाइट उससे 1,000 feet ज्यादा है. जो हम सोचा करते थे उसकी हाइट है एवरेस्ट की, उससे भी ज्यादा है 1,000 feet. इम्पॉसिबल. हु हैज बीन पुटिंग आइडियाज इनटू योर हेड, क्राइड द एल्डर्स. उन एल्डर्स ने, बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है.
How do you know all this? Why? It was only yesterday that we heard that the assault was being given up. वो कहते हैं तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? वो एल्डर्स बोलते हैं और ये कल की तो बात है जब हमने सुना था कि जो क्लाइम यानी क्लाइम करने की जो प्रोसेस चल रहा है उसको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, वो क्लाइम नहीं करेंगे. So here some words are there which are very difficult and we need to understand. Let's understand these difficult words of this chapter. First word is dashing in. Dashing in means running in a great hurry, यानी कि जल्दबाजी में भागना. Next word is flagging. Flagging means becoming tired or less enthusiastic, यानी कि किसी चीज के प्रति बोर हो जाना, उदासीन हो जाना. रोयूज का मतलब होता है उकसाना, यानी कि एक्साइट करना. फिर है डेकोइटी. डेकोइटी का मतलब होता है वायलेंट रोबरी, यानी कि डकैती. फिर है आर्सन. आर्सन मीन्स द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, यानी किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाना. फिर है स्क्रूटनी. स्क्रूटनी का मीनिंग होता है केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी कि जांच करना. फिर है टोरपोर. टोरपोर का मतलब होता है डलनेस, यानी कि सुस्ती. फिर होता है लोफ. लोफ होता है स्पेंड टाइम इन अ एमलेस आइडल वे, यानी कि अपना समय बर्बाद करना, आवारा घूमना. नेक्स्ट वर्ड कॉक एंड बुल स्टोरी, मेड अप स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी. नेक्स्ट असोल्ट. असोल्ट मींस एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग डिफिकल्ट, यानी कुछ करने की कोशिश करना, कुछ मुश्किल करने की कोशिश करना. नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.